अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप पौधों के साथ होली खेल रही हैं? हम भी तो खड़े रहो में हमारे साथ खेल लीजिए। अभी कहाँ भरभूती जी, अभी तो होली को कुछ दिन बाकी हैं, अब इसे कैसे खेलेंगे? अच्छा क्या प्लान है होली का आपका? प्लान ये है कि ई टेम हम होली ही ना ही खेलेंगे। क्या बात कर रही भाभी जी, अगर आप होली नहीं खेलेंगे तो सरकार छुट्टी कैंसिल कर देगी होली की। कच्चू भी बोलते हैं आप, हमरे अकेले के नाई खेलने से क्या फर्क पड़ता है? भाभी जी बहुत फर्क पड़ता है, क्या बात कर रही हैं, और खास तौर से हमें तो बहुत ही फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है आपको? भाभी जी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ होली खेलें और अपनी मटकियों से हम पे रंग उड़ेलें। नहीं, इस बार हम अपना मटकियां ना ही भरेंगे। भाभी जी अगर आपकी मटकी खाली रही तो होली का मजा किरकिरा हो जाएगा। काहे किरकिरा हो जाएगा, आप अनीता जी को बोलिए ना, वो अपनी मटकियां भर देंगी रंग से। भाभी जी अनु इतनी हैवी मटकी नहीं कैरी कर पाएगी। नहीं नहीं अनीता जी कितनी फाट हैं। फाट तो हैं, आप फिट करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं वो तो, कितना ऐसे तंदुरुस्त है, वो मटकियां उठा लेंगी। भाभी जी हम तो चाहते हैं कि आप अपनी मटकियों से हम पे रंगोली चें। और हमको लगता है कि आपका ये सपना अधूरा ही रह जाएगा ये टेम। भाभी जी आपके साथ नटखट होली खेल करूंगा। मम्मी क्या बदतमीजी है ये? एक्चुअली ये बदतमीजी मैं ख्वाब में किसी और के साथ कर रहा था, लेकिन हकीकत में अनफॉर्चुनेटली आप हैं। सैड। किसके साथ कर रहा था? आप तो जानते हैं किसके साथ कर रहा था। नहीं नहीं मैं समझ गया, समझ गया, मैं बहू के साथ कर रहा होगा। सदा बनिए मत, आप जानते हैं मैं किसके साथ कर रहा था। अरे छेड़ रहा हूं यार तुझे। छेड़ूंगा तो मैं इस बार भाभी जी को होली पे। सुन ज्यादा मत छेड़ियो, अगर तूने ऐसे छेड़ दिया और बहू को पता लग गया तो पूरी जिंदगी सारी दुनिया छेड़ेगी तुझे। ये फालतू की बेतुकी बातें बंद कीजिए, मैं भाभी जी के साथ होली खेलने की बात कर रहा हूँ। उनके चेहरे पे टेसू के फूल लगाऊंगा, उनको उठा के रंग के तालाब में डालूंगा। एक बार बता, रंगों के तालाब है कहाँ? ये बता दे, कानपुर में गंदा नाला बह रहा है बस। और चाच फराद ने श्री के लिए दूध की नदी बहा दी थी, तो क्या विभूति नारायण मिश्रा भाभी जी के लिए रंगों की नदी नहीं बहा सकता? नहीं, तेरी गलती नहीं है, गलती हमारे खानदान की है। बहुत बड़े बड़े पैदा हुए हैं, बहुत बड़े वाले बखलोल। तेरे जो फादर है ना, उन्होंने भी हेलन को पटाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। पता क्या कहा? हेलन डोंट वरी, मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा। चांद तो क्या, एक आम नहीं तोड़ पाए, और खुद सारे कपड़े उतार के हिमालय पे चले गए, पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं वहां पे। चाचा आप गधे, I'm sorry, मतलब आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए यार। अगर मैंने कहा है कि मैं रंगों की नदी बहाऊंगा तो बहाऊंगा। बहा जो बहाना है बहा। प्लीज गेट आउट ऑफ माय साइट एंड लेट मी फेस द रियलिटी। व्हाट रियलिटी? रियलिटी इज कि रोटी बना रहा हूं, रोटी। अरे तू रोटी मोटी बनता नहीं हो, फूल के बनाइयो हल्के हल्के। अच्छा चले जाइए, वरना आपके जो है आटा लगा मुंह है ना, तब वैसे एक दूंगा। तू अपना काम कर यार। भाभी जी इस बार आपने बताया नहीं कि आपके होली को लेकर क्या प्लान है। प्लान ये है तिवारी जी कि मैंने डिसाइड किया है कि इस बार मैं हुड़दंग वाली होली नहीं खेलूंगी। अरे भाभी जी हुड़दंग वाली होली के बिना तो होली अधूरी है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कि लोगों को गालियां देना, उनके कपड़े फाड़ना, बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करना, उन पर कीचड़ उछालना, ये होली होती है? भाभी जी हम तो बचपन से यही होली खेलते आए हैं। तिवारी जी एक बात बताओ, जैसा कल्चर वैसी होली, कल्चर अगर अनपढ़ और गवारों का है तो होली तो हुड़दंग वाली होगी, और अगर कल्चर पढ़े लिखे और समझदार लोगों का हो तो होली बहुत ही डिसेंट तरीके से सेलिब्रेट होती है। अगर आपने अपनी लाइफ में डिसेंट होली नहीं देखी है तो आप इस साल हमारी होली देखिएगा।
ये होली क्या रंगों वाली होती है? जी हाँ, बिल्कुल असली रंगों वाली होती है। पता है, हम लोग एक बड़े से बर्तन में ना टेसू के फूलों को घोल के रख देते हैं। टेसू के फूल, वाह क्या बात है। पता है, मेरी एक फ्रेंड है जो न्यूज एंकर है, इस बार मैं उसको बुलाऊंगी और पूरा सेलिब्रेशन ना कवर कराऊंगी ताकि लोगों के अंदर भी जागरूकता फैले। वाह क्या बात है। वैसे भाभी जी, हम तो दोनों तरह की होली खेलने के सक्षम है। अगर होली खेलने का अवसर आपके साथ प्राप्त हो जाए तो। अरे जी, मैं क्या बरसाने की गोरी हूँ जो आप मेरे साथ होली खेलना चाहते हैं? बरसाने की तो नहीं, लेकिन तरसाने की तो है जी। हमारा मतलब है कि आप बरसाने की है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आप गोरी जरूर हैं। तिवारी जी, आप भी ना। हाँ भाभी जी, हम भी ना। क्या कर रही हो पगली? सब्जी काट रहे हैं। वैसे इस बार होली जो है ना बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तुम तैयारी शुरू कर दो। कहने लड्डू के भैया कि ये बार हमरा जो दिल है वो किसी के साथ भी होली खेलने का ना ही है। किसी के साथ मतलब हमारे साथ तो खेलोगी ना? बोले ना, किसी के साथ भी ना ही, आपके साथ भी ना ही। अच्छा, हमारे साथ भी नहीं? क्यों, क्या हुआ है? डैडू ने मना कर दिया क्या? वो काहे मना करेंगे हमको, हमरा ही इच्छा है। अच्छा, ये कैसी इच्छा है? ऐसे तो तुम सारी इच्छा मार रही हो, हमारी इच्छा भी मार रही हो, खुद की इच्छा भी मार रही हो। हम आपका इच्छा कहाँ मार रहे हैं? आप खेलना चाहते हैं तो जम कर होली खेलिए ना। हम किसके साथ खेले? पत्थरों से खेले, ईंट की दीवारों से खेले, खंभों के साथ खेले होली? मॉडर्न कॉलोनी में इतने सारे लोग हैं, खेलिए ना उन लोगों के साथ। पगली, जब तुम्हें होली नहीं खेलोगी तो फिर औरों के साथ खेलने में आनंद नहीं आएगा, समझा करो। हाँ, सारे लड्डू के भैया, हम जो है पेस्टिसाइड कर लिए इस बार। क्या बोल रही है, पेस्टिसाइड? डिसाइड तो नहीं कहना चाह रही, ऐसे ही पकड़े हैं। हम फैसला कर लिए हैं कि ई टेम हम होली ना ही खेलेंगे। अरे कारण तो होगा कोई? कुछ कारण ना ही है, ना ही खेलेंगे, बस ना ही खेलेंगे। अच्छा चलो, हम भी देखते हैं कैसे नहीं खेलती। जब हम तुम्हें पूरी तरह से रंगों में भिगो देंगे ना, तो तुम्हारे अंदर की इच्छा खुद ब खुद ऐसे जाग जाएगी। हम अम्मा जी के पास चले जाएंगे या डैडू के पास गांव भाग जाएंगे। हाँ, फिर क्या करेंगे आप? लेकिन होली ना ही खेलेंगे, ना ही खेलेंगे, ना ही खेलेंगे। अगर पगली नहीं खेलेगी होली तो कहीं भाभी जी भी होली खेलने से मना ना कर दे, अब क्या करें? पंडित रामफल हमका बोले हैं, ये बार जो होली आ रहा है ना, बहुत पावरफुल है। संतान प्राप्ति के लिए एकदम चमत्कारी होली है। हाँ सच्ची? ठीक बा अम्मा जी, आप हमको बताइए क्या करना है। एक ही शब्द बोलेंगे, बदतमीजी। कुछ समझे ना आई अम्मा जी। ये बार तुमको सबसे बदतमीजी वाला होली खेलना है। अका बोले? अरे Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।